हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको दिखाया था सांता क्लॉस विलेज, और यहाँ हमने आप सांता क्लॉस से मिलवाया था, आपके लिए विशेस भी दिलवाई थी सांता क्लॉस से, और हम सांता क्लॉस की वाइफ से मिले थे। हमने सांता क्लॉस का पोस्ट ऑफिस देखा था और हमने रेनडियर राइड की। तो अभी ये सांता क्लॉस विलेज घूमने के बाद अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो रहा है शाम के 5:30 इधर हम, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपार्टमेंट जो वहाँ हमने स्टे करेंगे नेक्स्ट 3 डेज के लिए। वो अपार्टमेंट जो बैंगलोर सिटी सेंटर में है, और यहाँ सांता क्लॉस विलेज से सिटी सेंटर जाने के लिए जो मोस्ट अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन था वो था बाय बस। तो अभी हम लोग बस में हैं और गोदावरी सिटी सेंटर जा रहे हैं, वहाँ से हम आपको दिखाएंगे अपना अपार्टमेंट कि हमने कैसा अपार्टमेंट बुक किया था फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज। और वीडियो के लास्ट में ऑफकोर्स हम आपको ये बताएंगे कि वो अपार्टमेंट आप कैसे बुक कर सकते हैं और क्या उसका प्राइस होगा। अपार्टमेंट में जाने के बाद हमारा प्लान है आज रात में नॉर्दर्न लाइट्स का, होपफुली हमें वो नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाए। और नॉर्दर्न लाइट्स के लिए हमने सनी सफारी से नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग टूर बुक किया हुआ है, और उसकी डिटेल्स भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सनी सफारी एक कंपनी है जिसके थ्रू हमने बुक किया था नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग टूर। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अगर आप सर्च करेंगे सनी सफारी की वेबसाइट तो आपको दिख जाएंगे जो भी पॉसिबल टाइमिंग है। तो आप यहाँ आकर भी सांता क्लॉस विलेज में उनका ऑफिस विजिट कर सकते हैं, और उनका ऑफिस विजिटिंग टाइम आपका 3 PM है। तो उसके बाद आप ऑफिस में विजिट करके भी डायरेक्टली वहाँ से वो टूर बुक कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्दर्न लाइट्स ही नहीं, आप और भी टूर्स बुक कर सकते हैं आप उनके साथ, जैसे हस्ती राइड, इंडिया राइड और स्नो मोबाइल। तो आगे भी हमने और भी टूर्स बुक किए हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाले हैं। अभी के लिए हम आपको सिर्फ अपने अपार्टमेंट पहुंचने के बाद ये दिखाएंगे हमारा अपार्टमेंट कैसे है। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं रोवेनुमी के सिटी सेंटर में, और बस ने हमें यहाँ पर ड्रॉप किया था। सिटी सेंटर के पास ही हमें अपनी अपार्टमेंट की कीज पिक करनी थी, तो हमने की बॉक्स से, जो ऑफिस के बाहर उनका की बॉक्स था, वहाँ से कीज पिक कर ली है। अब हम लोग अपने अपार्टमेंट की साइड जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अब अपने अपार्टमेंट में, और यहाँ हम लोग नेक्स्ट 2 डेज के लिए स्टे करने वाले हैं। हम आपको दिखाएंगे ये पूरा अपार्टमेंट, यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, कैसा है। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ इस अपार्टमेंट के बारे में। तो ये एयरबीएनबी की तरह ही है, जैसे एयरबीएनबी होता है 1 room or 2 room अपार्टमेंट, और वहाँ किचन भी अवेलेबल होता है, आप खुद लोग खुद से कुक कर सकते हैं और सब कुछ अवेलेबल होता है अपार्टमेंट में, उस तरह से ही है ये। बट हमने एयरबीएनबी से बुक नहीं किया था, हमने ये booking.com से बुक किया था, और इसका प्राइस हमें पड़ा था लगभग 140 euros फॉर 2 डेज। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस अपार्टमेंट में क्या क्या अवेलेबल है। तो ये बेसिकली 1 room अपार्टमेंट है, ये उसका एंट्रेंस है। यहाँ पर ये अलमीरा दी हुई है, यहाँ आप अपना सामान रख सकते हैं, जैकेट्स वगैरह रख सकते हैं। और उसके साथ ही ये है वॉशरूम, और वॉशरूम है ये देखिए, वॉशरूम में भी सब कुछ अवेलेबल है। इधर वॉशिंग मशीन है, और जैसे कि आप देख सकते हैं सौना भी है यहाँ पे अवेलेबल। तो फिनिश कल्चर में अगर हम आपको बताऊँ तो सौना बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है यहाँ पे, लोग अपने घरों में प्राइवेट सौना रखते हैं, और कुछ अपार्टमेंट्स में प्राइवेट सौना नहीं होता और अपार्टमेंट का एक अपार्टमेंट सौना होता है जहाँ उस बिल्डिंग के सारे लोग उस अपार्टमेंट को यूज़ कर सकते हैं। बट इस अपार्टमेंट में जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइवेट सोना है,
तो ये था वॉशरूम। उसके बाद अगर हम इधर आते हैं तो ये है किचन। और किचन में भी जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिश वॉशर भी है एंड अवन भी है एंड माइक्रोवेव है। उसके अलावा ये फ्रिज है, ये फ्रीज़र है। किचन के शेल्स में भी अगर हम देखें तो कुछ कुछ सामान भी रहता है अवेलेबल, वो हम यूज़ कर सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं जैसे कुछ यूटेंसिल्स भी हैं हमारे यूज़ के लिए। उसके बाद यहाँ एक डाइनिंग टेबल है, देन सोफा है, टीवी देख सकते हैं हम लोग। और यहाँ से विंडो से आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। ये एक छोटी सी बालकनी है, तो अगर बालकनी आपको दिखाऊं तो ये है बालकनी। और इस बालकनी से बाहर आप व्यू देख सकते हैं यहाँ का। इसके अलावा यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, तो यहाँ सब तरह के यूटेंसिल्स भी हैं हमारे लिए अवेलेबल। और आइए बेडरूम में चलते हैं। तो ये है बेडरूम, यहाँ भी एक विंडो है। और ये बेडरूम के साथ एक स्टोर रूम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आयरन भी अवेलेबल है और कुछ बेडशीट्स एंड मैट्रेस भी हैं। ओवरऑल आई थिंक अपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। भी कुछ रिक्वायर्ड है वहाँ, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। और 1 BHK के अकॉर्डिंग अच्छा अपार्टमेंट है। तो हमने आपको ये अपार्टमेंट दिखाया, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऑफकोर्स ये अपार्टमेंट भी पसंद आया होगा। तो आगे आप भी कभी प्लान करेंगे अगर यहाँ पर विजिट करने का, तो आप इस तरह से booking.com से ये अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। और आई थिंक ये रीज़नेबल प्राइस में है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगा हमें। और क्योंकि यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, इवन मैं आपको ये बताऊँ यहाँ वाईफाई भी अवेलेबल है और सोना तो है ही इसमें इंक्लूडेड। तो दिस इज़ द एंड ऑफ फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।